नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र सिंह और स्वागत करता हूं आपका स्वाद सदाबहार में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल बटन दबाइए जिससे कि लेटेस्ट रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। आज हम बनाएंगे कुंदरू मसाला फ्राई। इसको बनाने के लिए हमने लिया हुआ है आधा किलो कुंदरू, इसको कि इस तरह से एक कुंदरू के चार पीसेस हमने लंबे काट लिए हैं। लिया है 2 टेबलस्पून तेल, 1 टेबलस्पून धनिया बारीक कटा हुआ, 3 से 4 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, 6 से 7 लहसुन कलियां बारीक कटी हुई, 2 चुटकी हींग, आधा टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम हींग और जीरा डालकर उसको इस तरह से चलाते हुए हमें पका लेना है। जब जीरा पक जाएगा तो इसमें लहसुन डाल देंगे और हरी मिर्च डालकर इसको हम इस तरह से चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। जब हरी मिर्च और लहसुन पक जाएगा तो इसमें हमने जो पीसे मसाले लिए हुए हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च डालते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हमने हरी मिर्च भी यूज़ की है। अब इन मसालों को हम मीडियम फ्लेम पर आधा मिनट पकाएंगे। अब ये मसाले पक चुके हैं, अब हम इसमें कटा हुआ कुंदरू डाल देंगे और नमक डाल देते हैं अब हम इसमें और इसको अच्छे से मिला लेते हैं, जिससे कि जो मसाले हैं वो कुंदरू को अच्छे से कवर कर लें। अब हम इसको ढककर 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। लगभग हर 2-3 मिनट बाद हम कुंदरू को इस तरह से चला देंगे जिससे कि कुंदरू जो है वो कढ़ाई के तली में ना लगे। ये प्रक्रिया लगभग हमें 2 से 3 बार करनी है। हर 2 से 3 मिनट बाद हमें कुंदरू को चेक कर लेना है और उसको इस तरह से चला देना है। कुंदरू पक गए हैं हमारे, इसमें हम अमचूर पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको अब हम ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे कि जो गरम मसाला की महक है वो कुंदरू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब हम कुंदरू को इस तरह से फैलाते हुए बिना ढक्कन के पकाएंगे जिससे कि जो इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सूख जाए। तो कुंदरू हमारे अब बनकर तैयार हो चुके हैं, मॉइस्चर पूरी तरह सूख चुका है। अब हम इसमें धनिया डाल देते हैं और इसको भी 1 मिनट के लिए ढक देंगे। कुंदरू बनकर तैयार हो चुके हैं, बस एक बार हल्के से इन्हें मिलाइए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।